बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर वन का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें एवोगैड्रो नंबर, मोल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, और अगर हम इनको एक्सप्रेस कर दें ग्राम में तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्राम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, और इनको कलेक्टिवली हम मोल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास पेज नंबर 17 पर ये तीन डेफिनेशंस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻²³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। असल में ये एक सीक्रेट नंबर है जो कि साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये नंबर है 6.02 × 10⁻²³। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन और ए दोनों कैपिटल हैं, मगर ए को हमने सबस्क्रिप्ट में लिखना है। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है पेज नंबर 18 पर नीचे लिखी हुई है, उसका नाम है मोल। मोल आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि बेस क्वांटिटी होती है, और इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 6.02 × 10⁻²³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम ओ एल से। स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला, जो मोल होता है नंबर ऑफ मोल, ये बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब मोलर मास क्या होता है, ये हमारा एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में उन्होंने पूछा हुआ है कि जनाब साहब के व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास जो होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। आप ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास, फॉर्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास। हम सिंपल इसको कह देते हैं कि किसी भी चीज के एक मोल का जो मास है उसे हम मोलर मास कहेंगे। जैसे मास ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल बन जाएगा, मास ऑफ वन मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम बन जाएगा, और वन मोल ऑफ वाटर का मास होगा 18 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स, मोलर मास के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो अब एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 6 ग्राम पानी है और उसके अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कि 6 ग्राम पानी में कितने मोल्स मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप नेम ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे, उसके बाद आपने मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर लेना है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 उसके एटम्स हैं, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, इनको ऐड कर लें तो 18 ग्राम पर मोल हमारा आंसर आ जाएगा मोलर मास। गिवन मास जो है वो 6 ग्राम है, 6 ग्राम, तो उसको यहाँ लिख लिया है यूजिंग फॉर्मूला मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू 6/18 इज इक्वल टू 0.33 मोल्स। तो स्टूडेंट्स, एक बात अपने जहन में रखें कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, या इसका मास निकालने को दिया जा सकता है इस रिलेशनशिप से, या मोलर मास निकालने को दिया जा सकता है, तो आपने इनको खास तौर पर MCQ के लिए आपने रेडी करना है, क्योंकि इसमें से अमूमन MCQ आ सकते हैं। थैंक यू बॉयज़।